हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो थी, इस वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो थी, इस वीडियो में मैंने आपको हिमालय के सभी टैबलेट्स के बारे में बताया था कि कौन सी टैबलेट है मार्केट में, कौन कौन सी टैबलेट आपको मिल सकती है। तो अब से इस वीडियो से पार्ट वन से स्टार्टिंग होगी कि इन सभी टैबलेट को ब्रीफली आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, किसका क्या काम होगा, क्या डोजेज होगी, क्या साइड इफेक्ट होंगे, कैसे उसको लेना है। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आपको देखनी है तो उस प्लेलिस्ट में आपको लाइन बाय लाइन हिमालय की सभी टैबलेट्स के बारे में आपको रिव्यू मिल जाएंगे। तो आशा है आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो सबसे पहले आज है जो हम बात करने वाले हिमालय की लीव 52 टैबलेट के बारे में। तो लीव 52 टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे, उसके यूजेस, डोजेज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे लेनी है, ये सब कुछ आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लीवर 52 है उसमें लीव का क्या काम होता है। लीव का मतलब होता है कि जो हमारा लीवर है, लीव का मतलब लीवर होगा, उसको बेहतर करने के लिए, उसको अच्छा रिस्पॉन्स के लिए हम लीव 52 का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि उसमें होता क्या क्या है। लीवर 52 में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हेमसरा, काशमी, मंदूर भसम, ककामसी, अर्जुन, कासमर्ता, जहोका, भृंगराज, हिरातकी। ये आपको इसमें कुछ इंग्रेडिएंट देखने को मिलेंगे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर अगर चले कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके वैसे बेनिफिट्स बहुत हैं, अगर मैं बताने लगूँ तो पूरा दिन निकल जाए, इसके इतने बेनिफिट्स हैं। फिर भी मैं आपको कुछ 5-10 बेनिफिट्स आपको इसके बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग का जो बेनिफिट्स है वो है हमारा लीवर लाइफ को हेल्थी करेगा। जो भी लीवर में कोई समस्या है या फैटी लीवर हो रहा है उसकी हेल्थी करेगा इसको यो। अगर किसी की अनहेल्दी डाइट है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी जो हेल्थ को अच्छे से करेगा। या फिर जो कोई पेशेंट ज़्यादा मेडिसिन लेता है तो वो सीधा लीवर पर इफेक्ट करती है, उसकी लाइफ को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर देगा, लीवर को आपको ठीक कर देगा। या फिर कोई ऐसा है जो अल्कोहल के ज़्यादा, फिर जो अल्कोहल ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करता है उसको भी लीवर में दिक्कत है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी टैबलेट है। सेकंड ये है कि एपिटाइट को आपको इम्प्रूव करेगा। मान लीजिए किसी को भूख नहीं लगती है तो भूख लगाने के लिए बहुत अच्छी टैबलेट है, इससे आपका लीवर इम्प्रूव और होएगा, आपको अच्छे से भूख लगेगी, आप अच्छे से खाना खाओगे। थर्ड क्या है इसका, फैटी लीवर, किसी के से लीवर में सूजन आ गई है, हेपेटाइटिस बढ़ गया है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। या फिर सिरोसिस हो गया तो सिरोसिस में ये बहुत अच्छा काम करेगी। डाइजेशन इम्प्रूव में भी ये बहुत अच्छा काम करेगी कि डाइजेशन किसी पेशेंट को अगर नहीं हो पा रही है अच्छे से तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या जिस भी मरीज को है, जिस भी इंसान को है, उसको भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। साथ ही साथ अगर कोई अल्कोहल पीता है, अल्कोहल से साइड इफेक्ट हो गया है उसके लीवर को, तो उसको भी ठीक करने में कारगर मेडिसिन है। या फिर टॉक्सिन हो गया है, अनवांटेड टॉक्सिन्स हो गए हैं, उसको भी ये ठीक करने के लिए बहुत अच्छी कारगर मेडिसिन्स है। जॉन्डिस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है लीवर 52। उसके बाद जैसे ब्लड प्योरीफाई है, हमारे जो बॉडी में ब्लड है उसको प्योरीफाई करेगी, और साथ के साथ हमारा नया ब्लड है उसको भी बनाएगी। उससे आगे हमारा 10th पॉइंट, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हमारा बिल्कुल ठीक करेगी। हमारा जो वेट गेन नहीं हो पा रहा, कई लोग होते हैं ऐसे कि भाई वेट गेन नहीं हो पाता, उनका लीवर ठीक नहीं होता, इसकी वजह से वेट गेनिंग नहीं होती, अच्छे से भूख नहीं लगती, तो हमारा इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक करेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस की, कि हमें लेनी कैसे है। जैसे कि अगर हम लीव 52 टैबलेट्स की पैकिंग पे अगर ध्यान दें तो वहाँ लिखा है कि चाइल्ड को जो देनी है वो 1 to 2 टैबलेट 3 times a day, मतलब 1 या 2 टैबलेट 3 times देनी है, लेकिन आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इसको यूज़ करना है कि कैसे उसको लेना है। और एडल्ट्स में है 2 से 3 टैबलेट 3 times a day, तो ये आपकी इसके डोजेज है। लेकिन आपको इसको लेना है, जो चिल्ड्रन हैं वो दिन में 1 टैबलेट ले सकते हैं, और जो बड़े हैं अडल्ट हैं वो दिन में 2 टैबलेट ले सकते हैं। साथ के साथ अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट को भी जान लें, साइड इफ़ेक्ट इसमें कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसे ज़रूर एक बार डॉक्टरी कंसल्ट के बाद इसको यूज़ करना चाहिए। और ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ओवरडोज अगर आप लेओगे फ़ायदा तो ना दिखाइए, लेकिन नुकसान आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है।
ओवरडोज लोग इसीलिए लेते हैं कि जल्दी इसका असर मिलेगा, जल्दी हम ठीक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरडोज से आपकी हालत और ख़राब हो सकती है। तो ये थी कुछ लेवर 52 के बारे में जानकारी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट जो लीवर की टैबलेट है उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।